सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही पावरफुल होता है और सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचना इसके बारे में ये वीडियो है। तो आइए हमारे वीडियो में आपका ये चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा विस्मृति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा जो मन है उसके दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। व्यक्त मन अव्यक्त मन, चेतन मन अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है तो पूरे मन का कॉन्शियस माइंड ये 10% हिस्सा होता है, 10%, 10% 1/10। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे पूरे मन का 9/10 होता है, 90%। तो 10% ही कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। इसका मतलब देखो सबकॉन्शियस माइंड के पास में कितनी पावर है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है और बहुत ही पावरफुल है, और 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड है और इतना वो पावरफुल नहीं है। मगर 10% कॉन्शियस माइंड होने के बावजूद भी वो 90% कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल कर सकता है, खुशी की बात है। मतलब बैड न्यूज़ ये है कि हमारे मन का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है, ये बैड न्यूज़। 10% ही कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिहेवियर कंट्रोल करता है, पूरा बिहेवियर, और सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है, तो बैड न्यूज़। 10% ही सिर्फ कॉन्शियस माइंड है और जो हम हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है, वो सब कॉन्शियस माइंड में, हमको ये करना है वो करना है सब कॉन्शियस माइंड में, और उसके पास में सिर्फ 10% ही पावर है, बैड न्यूज़। मगर गुड न्यूज़ यह है कि 10% कॉन्शियस माइंड 90% सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब घोड़ा है और घोड़सवार है, तो घोड़ा है उसके पास में 90% ताकत है, हॉर्स पावर 90%। घोड़सवार के पास में 10% ही है, मगर घोड़सवार के पास में बुद्धि है जिससे वो 90% जो घोड़ा है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये देखना है कि हमारा जो बिहेवियर है जो सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें। सबकॉन्शियस माइंड में एखादी चीज ठान लिया पक्की, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज घुस गई अंदर, तो फिर आदमी का बिहेवियर वैसा हो जाता है। एखादे आदमी ने बोला कि मुझे शराब छोड़नी है, तो शराब छोड़नी है उसका कॉन्शियस माइंड बोलता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड में पक्का बैठा हुआ है कि शराब छोड़नी नहीं, उसकी आदत लगी हुई है, आदत से मजबूत है और वो छोड़ने वाला है नहीं। मगर सबकॉन्शियस माइंड में एक बार पक्का हो गया कि नहीं मेरे को शराब छोड़नी है, तो फिर वो एक दिन में शराब छोड़ देगा। इसका सबूत मेरे पास में ऐसा है कि एखादे आदमी को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने बोला अभी सिगरेट बंद, तो वो दूसरे दिन सिगरेट बंद कर देता है, और बाकी उसको कितने भी दिन बोलो, कुछ भी बोलो, सिगरेट बंद करता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने एक बार बोला सिगरेट बंद, अब आपको कैंसर हो सकता है, सिगरेट बंद करो, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, सिगरेट बंद करो, तो वो तुरंत उस दिन बंद कर देता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में सीधा बैठ जाता है कि अभी अपन मरने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात हमने घुसा दिया, वहाँ तक कोई भी बात चली गई, तो वहाँ से फिर हमारा बिहेवियर कंट्रोल होगा। फिर इसका ही मतलब यह है कि फिर सबकॉन्शियस माइंड तक हम कोई भी बात कैसे पहुँचाएंगे, कोई भी चीज़ हमको पहुँचाना, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना पड़ेगा। सिगरेट छोड़ना है, इच्छा बहुत है, मगर हम क्या बोलते हैं, आदत से मजबूत, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। शराब छोड़ना है, इच्छा बहुत है, कॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड तक जाना चाहिए तभी छूटेंगी। मुझे खाना कम करने का है या मीठा कम करने का है, इच्छा बहुत है, कॉन्शियस माइंड में है, मगर आदत है सबकॉन्शियस माइंड की, वहाँ तक पहुँचता नहीं है और मैं मीठा खाते रहता हूँ। चाय छोड़नी है, वही बात है। वजन कम करना है, इच्छा बहुत है, मगर खाने पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक बात बैठी हुई है। इसका मतलब मुझे जो भी करना है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना जरूरी है, और वहाँ तक हमको पहुंचना है, और वहाँ पहुंचने के लिए हमारे पास में कुछ मार्ग है, कुछ वेज है कि जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं। तो उसका एक रास्ता जो है वो है कि बाय लॉजिक, बाय आर्ग्यूमेंट और बाय लॉजिक। बाय आर्ग्यूमेंट और बाय लॉजिक मतलब समझा के, कॉन्शियस माइंड को समझा के
कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, या आपको हार्ट अटैक आ सकता है, सिगरेट स्मोकिंग आपने कंटिन्यू किया तो आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा हमने लॉजिकली उसको समझा दिया, उसको एग्जांपल्स दिए, स्टैटिस्टिक्स बताया, तो फिर वो उसको पढ़ जाएगा लॉजिकली और आर्गुमेंट करके, और वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा, कॉन्शियस माइंड वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देगा और वो सिगरेट छोड़ देगा। तो एक मार्ग ये हो गया। दूसरा मार्ग है अथॉरिटी जब बोलती है कुछ चीज़ें तो वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अथॉरिटी ने बोल दिया कि नहीं आपको हार्ट अटैक आया हुआ है और अभी आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, सिगरेट स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको फैटी चीज़ कम खानी पड़ेगी, ये डॉक्टर ने बोलने के बाद में वो सीधा घुस जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि अथॉरिटी बोलती है और वो सबकॉन्शियस माइंड उसका पालन करेगा फिर, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड को बाईपास करेगा और सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो है कि वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बार बार हैमरिंग करके, बार बार हैमरिंग करते हैं आप, वो हम करते थे हॉस्टल में बहुत बार, ऐसा मजाक में होता था कि जैसा हम हॉस्टल में रहते थे तो एखादे हम तीन चार हम दोस्त लोग ठहरा दे कि एखादे व्यक्ति को बीमार करना है, तो समझो सवेरे वो उड़ गया, किसको मिला हम बोलते थे क्यों तेरा चेहरा उतर गया, क्या हुआ तेरे को आज, बोलता नहीं कुछ तो नहीं हुआ, नहीं मुझे ऐसा लगा कि चेहरा उतर गया, कुछ हो जाएगा तबीयत ठीक नहीं क्या वगैरह वगैरह, बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर वो दूसरे दोस्त को मिलता है, वो भी उसको बोलता है कि क्यों तबीयत ठीक नहीं, चेहरा उतर गया, नींद नहीं हुई क्या, ऐसा वगैरह वगैरह, उसको बोलता कुछ तो नहीं है, मगर उसको भी दिमाग में अंदर जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड में कि पहले दोस्त ने मुझे ऐसा बोला बीमार है क्या, दूसरा दोस्त भी ऐसा बोल रहा है बीमार है क्या, अब तीसरा दोस्त समझो उसको बोलता है, मिलता है और बोलता है कि तेरे को क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं, चेहरा उतर गया, ऐसा कुछ भी बोला नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, ऐसा पूछा, तो उसको लगता है कि सच्ची मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार लग रहा हूँ बाहर से, मैं बीमार हो गया हूँ, और वो हॉस्टल पे जाके रूम में जाके सो जाएंगे। मतलब एक आधी चीज़ बार बार हम हैमर करते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से सीधी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है, और वो बार बार हैमरिंग का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव अफर्मेशंस में हम करते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचा देते हैं। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच गई तो उसका इफेक्ट दिखता है हमको बर्ताव में। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया कि इमोशंस बहुत है, बहुत ज़्यादा दुख की अवस्था है तो उसमें सीधा वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, बहुत ज़्यादा सुख है मतलब उत्साह है तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, ज़्यादा दुख के समय में होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी है, भावना बहुत है, भावनात्मक हुए है तो सीधी बात वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगी। एक आधा आदमी बहुत दुखी है, कुछ दिन पहले कुछ डेथ हो गई है या कुछ बीमारी से बाहर आ गया है या किसने कुछ उसको बोल दिया है ना, किसके साथ में झगड़ा हो चुका है, अब उसको तुम कुछ भी बोल दो कि आपका वो आदमी के साथ में झगड़ा हुआ ना, बोलता हाँ हुआ, अच्छा वो तो ऐसे ही झगड़ालू आदमी है, तू वहाँ मत जाया कर, वो वैसे ही है, मतलब वो फटाक से उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। तो बार बार हैमरिंग करना एक है, और दूसरा इमोशंस में कुछ बोलना वो अलग है, तो इमोशंस में कुछ बात बोली है तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसा भी एक व्यक्ति था, उसको अगरबत्ती का एक पिक्यूलियर गुलाब का जो अगरबत्ती था उसका बास, उसका जो सुगंध है वो आ गया तो उसको डर लगता था, तो वो पूछा उसको, तो जब मालूम पड़ा कि उसके पिताजी गुजर गए थे, पूरे रात भर वो पिताजी के डेड बॉडी के पास में था और उस समय अगरबत्ती जलाई हुई थी वो कमरे में, तो उसको दुख का माहौल था और वहाँ गुलाब के अगरबत्ती का सुगंध आ रहा था, वो उसका कंडीशनिंग हो गया, वो सुगंध सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, अब कभी भी कोई अगरबत्ती का सुगंध आ गया कि इसको कैसा कैसा होता था, घबरा जाता था। तो ये हो गया कि भावनात्मक जब है तब सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं। फिर नेक्स्ट, सम्मोहन के माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं, हिप्नोटिज्म करना, हेट्रो हिप्नोटिज्म या सेल्फ हिप्नोटिज्म, जिसमें लॉजिकल माइंड जो है मतलब कॉन्शियस माइंड में उसको बाजू कर देते, उसका लक्ष्य विचलित कर देते, उसको बाजू में कर देते और उसमें सीधा हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं हिप्नोटिज्म। तो हिप्नोटिज्म कैसे करना, उसमें सूचनाएँ कैसे देना, उसका कैसा उपयोग होता है, सबकॉन्शियस माइंड तक वहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं, ये हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे। अभी इतना ही है कि वे टू रीच टू सबकॉन्शियस जो है वो है हिप्नोटिज्म के माध्यम से भी, जहाँ से हम कॉन्शियस माइंड को बाजू में करते, लक्ष्य विचलित करते और सबकॉन्शियस माइंड तक हम पहुँच जाते हैं। तो अलग अलग मार्ग है। जैसा एक एग्जांपल मुझे देना है कि समझो एक बहुत बड़ा महल है और वहाँ चौकीदार है, वॉचमैन है, अब मुझे महल में अंदर जाने का है, तो महल बहुत बड़ा है, 90% सबकॉन्शियस माइंड, चौकीदार जो है वो 10% कॉन्शियस माइंड, अब मुझे अंदर जाने का है तो मैं क्या करूँगा,
एक तो चौकीदार को मैं अथॉरिटी हूँ करके बताऊँगा तो फिर वो मुझे अंदर जाने देगा, नंबर एक। नंबर दो, उसके साथ मैं लॉजिकल बातचीत करूँ कि मुझे अंदर जाना कैसा ज़रूरी है, किसको मिलना है, क्या करना है, तो वो मेरे को अंदर जाने देगा। नंबर तीन, उसको भावनात्मक रूप से उसको मैं कुछ बोलूँ, है ना, कि आप ही हो, आप ही बड़े इंसान हो, आप मेरे पिताजी जैसे हो, आप मुझे जाने देंगे, मतलब कुछ भी ऐसा उसको बोलता है भावना में आके, भय के, वो मुझे अंदर जाने देगा। दूसरा है कि बार 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 मैं वहीं बैठे रहूं और उसको बोलूं बार 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 वही 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 बोलूं, तो एक समय ऐसा जाएगा बोले जाओ, हरकत नहीं, वो अंदर जाने देगा। और नहीं तो फिर उसको हिप्नोटाइज मैं करूं और हिप्नोटाइज करके मैं अंदर चले जाऊं। तो इस तरह से वो जो वॉचमैन है उसका लक्ष्य विचलित करना, और वॉचमैन मतलब कॉन्शियस माइंड, जो अंदर चीज़ जाने देता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में, तो कॉन्शियस माइंड का लक्ष्य विचलित करके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ डालना। एक बार चीज़ अंदर गई, कोई भी बात, कोई भी कॉन्वर्जेशन, कोई भी इमोशंस, कोई भी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में गया कि वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह का ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। और आपको इतना ही है कि अभी कोई भी हम में बर्ताव लाने का है, अभी कुछ भी बर्ताव हो सकता है, सुबह उठने की आदत हो, एक्सरसाइज करने की आदत हो, मीठा बंद करने की आदत हो, स्मोकिंग शराब बंद करने की आदत हो, मतलब कोई भी चीज़ होंगी वो आपको सिर्फ कॉन्शियस माइंड में ठहरा के होंगे नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी विश है, ऐसा बोल के कुछ होंगे नहीं, वो सब वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक डालना जरूरी है। और वो आप जब डालेंगे तभी वो आपके बर्ताव में दिखेगा। इसका उपयोग हम हमारे रोज के जीवन में कर सकते हैं, रोज के व्यवहार में कर सकते हैं, बीमारी के लिए कर सकते हैं, बाकी अन्य वीडियो में इसका उपयोग कैसा होता है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करके हमारे जीवन में उसका कैसा परिणाम करना, पॉजिटिव करना, मतलब उसका फ़ायदा कैसा कर लेना, वो हमको वो आपको बाकी वीडियो में दिखेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको हिप्नोटिज्म सीखना है तो जरूर हमको नीचे दिए हुए नंबर पे ऊपर जरूर संपर्क कीजिएगा, हम आपको हिप्नोटिज्म के बारे में, उसके जो प्रोग्राम्स उसके बारे में बताएंगे। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ लोग पेशेंट को लेके आते हैं जिनको हिसारों के साथ में भर्ती करते, हिसारों के अलावा भर्ती करते हैं और अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं। आप भी हमारे मिशन में शामिल हो सकते हैं। जिनको ज़रूरत है उनको जरूर वीडियो शेयर करो, बेल आइकॉन आते हैं उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।